की रोकथाम के लिए एक नई पहल की गई है। अब चीता मोबाइल पुलिस क्षेत्र में भ्रमण करेगी और घटना के बाद शीघ्र ही घटनास्थल पर पहुंचकर आरोपियों को दबोच लेगी। हालांकि इससे पहले भी कई मोबाइल आ चुकी हैं जो ज्यादा कारगर साबित नहीं हुई हैं। फिलहाल गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की पहल पर सभी थानों को चीता मोबाइल वाहन उपलब्ध कराए गए हैं। उपलब्ध कराए गए वाहनों को पुलिस बल को सुपुर्द कर दिया गया है। उक्त चीता मोबाइल के संबंध में जानकारी देते हुए समान थाने के निरीक्षक सुनील गुप्ता ने बताया कि जो पहले मोबाइल चलते थे उन्हें अब चीता मोबाइल नाम दिया गया है। चीता जैसे फुर्ती के साथ अब पुलिस चुस्त दुरुस्त होगी, इसलिए इसका नाम चीता मोबाइल दिया गया है। आइए आपको सुनाते हैं पुलिस में कितनी गतिशीलता आएगी और किस तरह से यह चीता मोबाइल काम करेगा। माननीय गृह मंत्री के आदेश से जो जिलों में थानों में मोबाइलें चलती थी उनको अब नया नाम चीता मोबाइल दिया गया है। चीता जैसे अपने आप में तेज फुर्तीले का प्रतीक है, उसके मान से मोबाइल को चीता मोबाइल नाम दिया गया है ताकि पुलिस में थोड़ी गतिशीलता आए। ये अपने अपने थाना क्षेत्र में, हर थाना क्षेत्र में मोबाइलें, शासकीय मोटरसाइकिलें हैं, उसको चीता मोबाइल के रूप में ऑपरेट किया जाएगा और अपने अपने थाना क्षेत्र में चलेंगी। समय समय पर जनता को जागरूक करने के लिए, चाहे ट्रैफिक के लिए हो, चाहे आपके ATM फ्रॉड या अन्य साइबर फ्रॉड, इस संबंध में जागरूकता के लिए भी उनके माध्यम से जनता तक बात पहुंचाई जाएगी। हाँ, ये बीट में चलेंगी। जो बीट के आरक्षक हैं, प्रधान आरक्षक हैं, वो इसमें चलेंगे और त्वरित सेवा प्रदान करेंगे। रात में भी चलती रहेगी, ये 24 घंटा सेवा उपलब्ध रहेगी।